क्या मजी कपड़े नापाक हो जाते हैं? जी बिल्कुल हो जाते हैं। रह गया वो हदीस में जो आया ना कि आपने शर्मगाह को धोना, तो ज़ाहिर इम्प्लाइड है जब शर्मगाह आप धो रहे हैं इसी वजह से कि वो नापाक हुई है, तो जिन कपड़ों पे लकी है वो भी है। और अगर किसी को परमानेंटली कोई मर्ज है तो वो अंडरवेयर यूज करे और उसके साथ टिश्यू पेपर यूज करे, सिर्फ टिश्यू चेंज कर लिया करे। एक भाई ने क्वेश्चन किया कि अगर मजी कपड़ों पर लग जाए तो क्या इससे कपड़े नापाक हो जाएंगे और उसको पाक करना होगा? देखिए, मर्दों में जो डिस्चार्जिंग से कबल एक पतला पानी आता है उसको मजी कहते हैं और ये नापाक होता है, बिल्कुल पेशाब की मिसल नापाक है। अगर ये कपड़ों पर लगेगा तो फिर देखा यह जाएगा कि जैसे हमारी हथेली ना, इस पर पानी डालें, अगर साइड से टपकने लग जाए रुक जाए, जितना ये हथेली में पानी जमा है इसको शरई लिहाज से एक दिरहम कहते हैं। तो अगर ये कपड़ों पे मजी लगी है और एक दिरहम से कम है तो पाक तो करना चाहिए, लेकिन फ़र्ज़ कर लें इसी के साथ अगर नमाज पढ़ ली नमाज हो जाएगी, खिलाफ सुन्नत होगी। और अगर वो फैल कर एक दिरहम के बराबर हो चुकी थी, इसके साथ नमाज पढ़ ली, फ़र्ज़ अब भी अदा हो जाएगा, लेकिन ये नमाज वाजिबुल इयादा होगी, यानी इसको दोबारा पढ़ना होगा। और अगर मजी इतनी ज़्यादा लगी है कि एक दिरहम को क्रॉस कर गई, इस गहराई से भी ज़्यादा हो गई है, तो फिर उसको पहले पाक करना फ़र्ज था, उसके साथ नमाज पढ़ ली तो नमाज होगी ही नहीं। काम अगर मजी कपड़े पर लग जाए तो क्या कपड़ा नापाक हो जाएगा? कितनी मकदार लगने से नापाक होगा और कपड़े को पाक करने के लिए क्या तरीका होगा? क्या मजी निकलने से वजू टूट जाता है? मोहम्मद कुरबान, इंडिया से। मजी उस ट्रांसपेरेंट पानी को कहते हैं जो है जब किसी मर्द को ख्वाहिश या शहवत पैदा होती है तो जो पानी निकलता है तो उसको मजी कहा जाता है। एक तो बिल्कुल वाइट पानी होता है जो डिस्चार्ज होने के वक्त निकलता है, वो उससे तो गुसल फ़र्ज हो जाता है। जो मजी है उससे वज़ू टूट जाता है। और बाकी वो कपड़े पे लग जाए तो एक दो कतरे अगर लगे हैं तो वो तो माफ़ हैं, थोड़ी बहुत नजासत माफ़ होती है। लेकिन अगर हथेली की गहराई के बराबर जो 5 रुपये का सिक्का है ना, तो उसके बराबर अगर वो मजी फैल गई है या मुख्तलिफ़ थोड़ी थोड़ी शलवार पर या जिसम पर कहीं लग गई है और ख्याल ये कि इतनी हो गई होगी, तो उसको धोना फिर लाजिम है, धोए बगैर नमाज नहीं होगी। लेकिन धोने का तरीका आसान है, हदीस में गसल खफीफ का हुक्म है, यानी मामूली सा धो डालना भी काफ़ी है। तो हल्का सा धो देंगे तो कपड़ा पाक हो जाएगा। समझो कोई शख्स है और जिसका मजी खारिज हो जाता है, उसकी वजूहत बीमारी ले लीजिए, उसकी वजूहत सेहत ले लीजिए, उसकी वजूहत कुछ भी हो सकती है, उसकी वजूहत इसना ने कोई चीज़ सोच लिया, समझ लीजिए नौजवान ने कुछ सोच लिया और जिसकी वजह से उसकी मजी खारिज हो गई। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि मजी के खारिज होने से गुसल टूट जाता है। गुसल मनी के खारिज होने से टूटता है, सिर्फ याद रखिए, इसके अलावा नहीं। और भी चीज़ें गुसल टूटने की, इंशाल्लाह वो मैं अगले तो तफसील में लूँगा, लेकिन गुसल टूटने के अंदर मजी वदी या नदी के खारिज होने से, मतलब जिस्म के या शर्मगाह से औरत या मर्द के ऐसे मादों का निकलना जो मादे मनी नहीं होते हैं, इनके निकलने से सिर्फ उसका वजू टूटता है, उसके गुसल पे कोई आँच नहीं आती। लिहाजा ऐसा शख्स जब ऐसी चीज़ निकल जाए, चाहे बीमारी की ख्वाहिश सोच की वजह से, वो सिर्फ अपनी शर्मगाह को धोएगा, वो कपड़े का हिस्सा जहाँ वो लगाए वो धो लेगा, उसके बाद वो बिल्कुल पाक है, वजू करे, अपनी नमाज़ पढ़े।